चलिए मैथ्स ही चलेगी अभी, साइंस बीच बीच में कर देगी थोड़ा, क्योंकि मैथ्स आपको कम नंबर आए। ये लो दुवांशी, सौम्या, सही किया। अरे मुझे ये देखना है ब्रैकेट कहाँ गलत हो गया। साइंस में अभी थर्सडे को क्लास होगी मैथ्स की, अभी संडे को पढ़ा। ओके मतलब सर थर्सडे को टेस्ट किया संडे को, एसएसटी का टेस्ट है, मंडे को फिर इसका टेस्ट होगा। क्योंकि आपका क्या कब से स्कूल में टेस्ट शुरू हो रहा है? वो बता देना जब भी होगा। अभी नहीं है ना, वो बता वो होगा तो बता देना। अभी तो संडे है, संडे को आप लोग एसएसटी के टेस्ट की तैयारी करिए, ठीक है? सब पूरे पूरे ला रहे हैं, तुम्हारे ही साथ पता नहीं क्या ये लो। इधर आपका है ना, और एक बार ये समझा दो। चलो
एक्सप्लेन राइट 7 × 11 × 13 बात मत करो सौम्या, तुम्हारा सब परफॉर्मेंस डाउन है। एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 वाई दीज आर कंपोजिट नंबर्स। वो कुछ छूटे उसको करेंगे अभी करते हैं। नाउ देखिए सो दैट देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर, देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एंड फॉर विच कोई भी दुनिया का कोई भी इंटीजर ले लो और दिखा दो कि वो इंटीजर रूट एन माइनस वन और प्लस रूट एन प्लस वन उसके लिए एक इंटीजर हो जाए तो ऐसा हो नहीं सकता, या रेशनल भी हो जाए तो किसी भी दुनिया के किसी भी इंटीजर के लिए ये वैल्यू रेशनल नहीं हो सकती। अब जरा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सो कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम, ठीक है तो प्राइम नंबर 2 होता है, दो प्रोडक्ट कम से कम दो प्राइम होने चाहिए कि नहीं। सो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स आर दोस विच कैन बी एक्सप्रेस एज, उन्हें यौगिक संख्याएं कहते हैं, एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। नाउ अब जरा देखें 7 × 11 × 13 + 13 अगर मैं 13 कॉमन ले लूं एक लगे तो क्या बचेगा अंदर, 7 × 11 × 1 + 1 बता ही नहीं रहे 7 × 11 + 1 वो बैठे गलत जगह में, पहले से ही कह रहा था छोटे छोटे सवाल भी तो इंटू वन प्लस सही है इंटू वन की क्या जरूरत है, ऐसे ठीक है। अब यहाँ तक बात हो गई सही बताया, 7 × 11 हमने 13 कॉमन ले लिया तो क्या क्या बचा बताओ, 7 × 11 + 1 ठीक है। अब जरा देखो तो कितना हो जाएगा 77 + 1 तो 78। पीयूष आगे कुछ इसमें करना है कितना ठीक है, यानी 13 × 39 करना चाहते हो into, अब आप 78 का फैक्टराइजेशन कर लो तो 2 से करोगे तो कितना आएगा 39 और फिर 3 से करो तो कितना आया, तो इसे कैसे लिखा जा सकता है ये लिखो, इज इट ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, क्या ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है, सो एज इट इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम सो द गिवन नंबर इज कंपोजिट नंबर। बोलो बात समझ में आ गई, एज इट इज सभी को प्राइम में लिख लेना, यहां ना छोड़ना यहां तक लाना, एज इट इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम सो गिवन नंबर इज कंपोजिट, इसी तरह से इसको भी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊपर करना है क्या एसी, सेकंड क्वेश्चन देखो हवा ज्यादा लगे ओके। नाउ अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, एन एक पॉजिटिव इंटीजर है तो हम ये मानते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से, लेट
रूट एन माइनस वन और प्लस रूट एन प्लस वन इज रेशनल, हमने ये मान लिया कि ये रेशनल है. लेट रूट एन माइनस वन प्लस रूट एन प्लस वन इज, यदि ये रेशनल है तो पी वाई क्यू के फॉर्म में होगा, जहां पी क्यू दोनों क्या होंगे और q इज नॉट इक्वल टू, बोल बात सही है, तो रेशनल मान लिया. अब आगे कहीं कंट्राडिक्शन होगा तो फिर हमने जो माना वो गलत हो जाएगा. हमने मान लिया ना ये रेशनल है और क्वेश्चन कहता है सिद्ध करो कि ये रेशनल नहीं हो सकता किसी भी इंटीजर के लिए, तो हमने मान लिया ये रेशनल. अब जरा देखिए, यदि p by q ये है तो मुझे ये बताओ q by p क्या होगा, बताओ तो जरा. तो 1 अपॉन रूट एन माइनस वन प्लस रूट एन प्लस वन, इसका रेशनलाइजेशन करने पर, तो रेशनलाइज करो तो क्या होगा बताओ, रूट एन माइनस वन माइनस रूट एन प्लस वन, और नीचे क्या हो जाएगा अगर रेशनलाइज करेंगे, एन माइनस वन प्लस रूट एन प्लस वन, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट एन प्लस वन, तो नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर क्या आएगा रूट एन माइनस वन और माइनस रूट एन प्लस वन और डिवाइडेड बाई एन माइनस वन, हमने स्क्वायर कर दिया है, ठीक है इधर ध्यान दीजिए बेटा, और इसमें क्या आ जाएगा एन प्लस वन, सो दिस इज इक्वल्स टू क्यू बाई पी, तो एन से एन कट गया और माइनस वन और माइनस वन तो माइनस टू है, तो दैट मीन्स माइनस टू का निगेटिव ऊपर ले सकते हैं हम, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा एन प्लस वन. नेक्स्ट स्टेप में यहां माइनस ले लो और उसको अंदर भी ले लो, इन दिस केस बाई टू रहने दो, तो क्या हो जाएगा, नाउ दिस इज, ये प्लस हो गया रूट एन प्लस वन और माइनस रूट एन माइनस वन बाई टू, तो ये क्यू बाई पी आ गया, ठीक है. अब जरा देखिए टू को वहां ले लो तो क्या हो जाएगा, रूट एन प्लस वन और माइनस रूट एन माइनस वन क्या हो गया, बोलिए क्या टू क्यू बाई पी हो गया, टू को उधर ले लो. अब देखिए अब हमारे पास जो दो इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन नंबर वन, देख लो ये पहली इक्वेशन थी तो ये इक्वेशन वन है, और अभी क्या बनी, इन दोनों को एक साथ एलिमिनेशन लॉ से जोड़ दो. सो व्हाट विल बी देयर, सो दैट इज रूट एन माइनस वन प्लस रूट एन प्लस वन, ये p by q है, और जरा उससे देखो रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन माइनस वन, ये क्या है, क्या ये टू क्यू बाई पी है, इन दोनों को कंप्यूट तो करो, एडिंग एड करने से क्या होगा, क्या ये इससे कैंसल हो जाएगा, और इन दोनों में ये दोनों कैंसल हो गए, तो टू रूट एन प्लस वन कम्स है, जरा यहां देखो p बाई क्यू और प्लस टू क्यू बाई पी, इधर तो ऐड होगा ना, एलसीएम लेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, क्या पी क्यू, और इधर क्या आएगा बताओ, क्यू से क्यू गया पी बचा, पी का यहां मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, और पी से पी चला गया तो क्यू बचा, तो ये क्या होगा टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू रूट एन प्लस वन. इतनी बात आ गई. इन दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया था बताइए, अब जरा देखो इन दोनों को अब सब्ट्रैक्ट भी करो, तो रूट एन माइनस वन प्लस रूट एन प्लस वन इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू रूट एन प्लस वन और माइनस रूट एन माइनस वन, दैट इज टू क्यू बाई पी, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, यहां माइनस यहां प्लस और यहां माइनस, सब्ट्रैक्शन कर दिया, साइन चेंज कर दिया ना सबका, तो बोलो क्या होगा, ये प्लस है ये प्लस है, तो क्या ये कैंसिल हो जाएगा,
अब ये भी प्लस हो चुका है तो यहाँ क्या होगा रूट टू रूट एन माइनस वन दिस कम्स एज पी बाई क्यू माइनस टू क्यू बाई पी तो दैट इज पी क्यू अब क्यू से क्यू चला गया पी स्क्वायर माइनस टू क्यू स्क्वायर दिस इज टू रूट एन माइनस वन नाउ अब इसका क्या मतलब हुआ कि यहां से तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे हो क्या आरएचएस रेशनल है क्योंकि पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हैं तो एलएचएस को भी रेशनल होना चाहिए और यहां भी एलएचएस को रेशनल होना चाहिए ये रेशनल तभी होगा जब इसके अंदर की चीज परफेक्ट स्क्वायर होगी और इसके अंदर की भी चीज परफेक्ट स्क्वायर होगी तो दोनों को तो रेशनल होना चाहिए ना मैं क्या लिखूं आरएचएस इज रेशनल सो एलएचएस शुड ऑल्सो बी क्योंकि हमने जब माना ही है कि वो इंटीजर है तो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है या रेशनल होता है तो यहां लिखो आर एच एस क्या है ध्रुव आंशिक क्या ये रेशनल है ना तो एल एच एस शुड ऑल्सो भी रेशनल जब ये रेशनल तो इसे भी रेशनल होना चाहिए सो एल एच एस शुड बी यहाँ पर इधर तो क्या तुम वाई माइनस एक्स लिखना पसंद नहीं करोगे बोलो बात समझ में आई कि नहीं उससे कुछ नहीं है तो ये रेशनल हो गया यहाँ देखो RHS is rational, तो LHS should also be RHS is rational, so LHS should be rational. और जैसा ध्रुवांशी बता रही है अब दोनों रेशनल हैं, तो ये रेशनल कब होगा n plus 1 और n माइनस 1 परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी तो रेशनल होगा और अगर स्क्वायर रूट ही नहीं निकल पाए तो कहां से रेशनल तो इसके रेशनल होने की क्या कंडीशन है This implies कि जो रूट एन प्लस वन है तो एन प्लस वन इज परफेक्ट स्क्वायर ये बात समझ में आई फाई का कि नहीं समझ में आई भाई ये रेशनल तो इसे रेशनल होना चाहिए रेशनल कोई चीज कब होती है जब रूट के अंदर की चीज परफेक्ट स्क्वायर होगी तभी तो रेशनल होगी और इसी तरीके से यहां पर भी परफेक्ट स्क्वायर हो हमें ये मतलब नहीं है मतलब उसके अंदर से जो निकले पूरी तरह से बाहर निकल जाए जैसे 49/4 तो रूट के अंदर से निकल जाए बस पूरा तरह से रेशनल बन गया ठीक है अब जरा देखिए यहां पर भी दिस इंप्लाइज एन माइनस वन इज परफेक्ट स्क्वायर क्या तुम मुझे बताओगे अगर एक एन इंटीजर है कोई भी अपने मन में इंटीजर सोचो तो एन एक इंटीजर है उसमें वन जोड़ दो और वन सब्ट्रैक्ट कर दो तो तीन चीजें होती हैं एक n होता है और एक n प्लस वन होता है और एक क्या होता है तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस होगा टू का कोई भी तीन नंबर कोई कंसेक्यूटिव ले लो एक n माइनस वन है और एक n और एक n प्लस वन सो द डिफरेंस बिटवीन टू परफेक्ट स्क्वायर क्या दिया है टू हुआ कि नहीं भाई n में n प्लस वन जोड़ा और एक बार वन घटा दिया वन जोड़ने से वन ज्यादा हो गया तो किसी भी नंबर में जैसे मैं 13 लू और ये 14 है और ये क्या हुआ तो बोलो n प्लस वन और n माइनस वन में कितने का डिफरेंस है क्या तुम्हारे अनुसार किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में टू का डिफरेंस है जो मिनिमम है उसी में ही नहीं है 1, 4, 9, 16 आगे तो और बढ़ता ही चला जाएगा अगर मिनिमम भी लो तो उनमें तीन का डिफरेंस है सो देयर इज नो सच पेयर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर विच डिफर बाई टू बोलो कोई दो परफेक्ट स्क्वायर ऐसे कोई तुम ले सकते हो क्लोजेस्ट भी लोगे तो उसमें पहले में कितने का अंतर है 3 का फिर 5 का हो जाएगा फिर उसके बाद 9 कई बार ही चला जाएगा तो एंड द डिफरेंस बिटवीन देम इज 2 क्या डिफरेंस है बताओ 2 सो डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस के लिए मैं ऐसे कर दूं सर 0 से स्टार्ट करें
कहीं से भी करो, तुमको परफेक्ट स्क्वायर लेने, परफेक्ट स्क्वायर का सेट बना दो, जीरो से नहीं ले सकते हो ना, दीज आर परफेक्ट स्क्वायर, तुम परफेक्ट स्क्वायर का सेट में से चुनो और दो परफेक्ट स्क्वायर बता दो मुझको जिनके बीच टू का अंतर होता हो। जैसे जीरो का स्क्वायर तो जीरो होता है, वन का स्क्वायर वन होता है। जीरो माइनस वन नहीं, फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि रूट माइनस वन हो जाएगा ना। ये कह रहे हैं कि रूट माइनस वन, माइनस वन का रूट थोड़ी ना, वो तो इमेजिनरी होता है। तो वन ले गया ना, वन लिया, वन लेके जीरो हो जाएगा, तो वन अपॉन लिए तो है। तो अब कोई भी दो परफेक्ट स्क्वायर, इसका मतलब है हमारे पास दो डिस्टिंक्ट परफेक्ट स्क्वायर है और उनके बीच का अंतर कितना, जरा देखो, तो मैं अंतर करके दिखा रहा हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस, जरा करके तो देखिए, ये कटा इससे, अब वो लोग प्लस वन कितना आया, वन प्लस वन दैट इज टू, द डिफरेंस बिटवीन दिस इज टू, बट नो टू परफेक्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी टू परफेक्ट स्क्वायर हुज डिफरेंस इज टू, द मिनिमम डिफरेंस इटसेल्फ इज थ्री, नहीं, बट सो दिस इज कंट्राडिक्शन। अगर ये कंट्राडिक्शन है तो जो हमने माना है क्या वही गलत नहीं है? एक्स वाई नहीं, तो एक्स वाई में तो कुछ पता नहीं चल पाएगा ना, यहाँ एक्स हो सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि कोई ऐसे दो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है कि किसी नंबर में से एक कम कर दो तो इधर वाला भी परफेक्ट स्क्वायर और आगे वाला भी, कोई ऐसा भाग्यशाली नंबर नहीं है कि जिसके अगल और बगल दोनों परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, क्या ऐसा कोई लकी नंबर है? थ्री ले लो, एक तरफ फोर और एक तरफ टू, क्या दोनों परफेक्ट स्क्वायर है? सो उसके एडजेसेंट कोई भी नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, नाउ हमने क्या माना, दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, इरेशनल नहीं प्रूव करना, हमको प्रूव करना है कि दिस इज रेशनल, इसे क्या बोल, नो इट इज नॉट, इट इज इरेशनल। तो अब हमने शुरू में क्या माना था, क्या रेशनल माना था? रेशनल माना था, लेकिन क्या कंट्राडिक्शन आ गया? अगर कंट्राडिक्शन आ गया तो यही बात है हमने जो माना था वो गलत है। जैसे कभी रूट फाइव को तुम मान लेते हो कि वो रेशनल है, लेकिन लास्ट में ऐसे हो जाता है कि रेशनल इज इक्वल टू इरेशनल, जहां तुम्हारा गड़बड़ हो आगे चल ही नहीं सकते, तो वहां हमने जो माना वो सब गलत, ऐसे ही तो करते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट, इसको क्या कहते हैं, और अगर देयर एग्जिस्ट है तो ऐसे लिखो, और इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट, और इसको क्या कहते हैं, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी टू परफेक्ट स्क्वायर हूज डिफरेंस इज, जिनका डिफरेंस क्या है, इज टू, दिस इज कंट्राडिक्शन, सो आवर एजम्पशन इटसेल्फ इज रॉन्ग, दिस इज, सो आवर एजम्पशन जो हमने माना था इज रॉन्ग, और इस वजह से क्या हुआ, सो रूट एन माइनस वन प्लस रूट एन प्लस वन इज इरेशनल। फॉर एवरी एन बिलोंगिंग टू इंटीजर, जेड प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर, समझ आई, और जेड लिख दो तो ऑल इंटीजर, जेड निगेटिव तो निगेटिव इंटीजर, ठीक है। आगे देखो, बस यहां पर कंट्राडिक्शन से हमने इसको किया है, ये तो बात समझ आ गई ना, दो स्क्वायर नंबर n माइनस वन और n प्लस वन कभी भी दो स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते, कोई इन्हें ऐसा बताओ कि उसमें से एक कम कर दो तो उसके इधर भी स्क्वायर और उधर भी स्क्वायर है कोई, यहां तुम फोर के पास देख लो तुम सोचो थ्री है तो थ्री के इधर उधर होगा कि हम थ्री से एक इधर कर ले तो टू स्क्वायर, या फिर डिफरेंस करके देखो, वो ना समझ सको। क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट फॉर नो इंटीजर रूट एन माइनस वन प्लस रूट एन प्लस वन इज रेशनल, यानी ऐसा कोई तुम एन नहीं ले सकते जिसमें एक कम करो फिर उसका रूट निकालो और एक बढ़ा दो
और उसका रूट निकालो तो वो रेशनल हो जाए। उसके नीचे कोई एक ऐसा नंबर लो, जैसे आप सोच लो कि मैं 3 × 5 ले लो, तो 5 − 1 = 4 तो बन जाएगा, और 5 + 1 तो वहाँ फंस जाओगे, क्योंकि एक जोड़ने से नहीं अगला स्क्वायर आएगा, उनके बीच बहुत सफर होता है। सो दैट मीन्स नो टू नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर डिफर बाय 2, दो से तो कोई डिफर करते ही नहीं, तो इसलिए यही चीज़ है। तुम अपने मन से और भी कुछ बना सकते हो। देखो अगला क्वेश्चन तुम ये बनाना, जब तुमसे कहा जाए प्रूव दैट √n + √n + 1 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि दो बगल बगल वाले जाएंगे, ये क्वेश्चन तो खुद ही बनाना है ना। देख लो क्या लिखोगे अगला क्वेश्चन में, प्रूव दैट √n + √n + 1 क्या दोनों अगल बगल वाले परफेक्ट हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते, बल्कि √n + √n + 2 √n + 3। तो अब या तुम कुछ भी कर लो, √n + 2 और √n + 3 यहां तक भी जा सकते हो। ऐसे केस में पहला वाला जो है अगर तुमने 1 रखा तो ये मिल जाएंगे, ये दो तो इरेशनल ही हो गए, तो वो उसमें बाधा नहीं पहुंचाएंगे। अपने मन से कुछ भी बनाओ, इन दोनों को कर लो, दो लगातार को कर लो, बात समझाए। उसने अपने मन से लिख दिया क्वेश्चन, तो हम भी जानते हैं कि भाई ऐसा होता ही नहीं, 2 का डिफरेंस। तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये होगा, ये दोनों तो नहीं होंगे, एन को तुमने मन ले लिया, तो दो इरेशनल सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। बात ना समझे, ये अगर तुमने मन ले लिया तो √1 परफेक्ट है और ये परफेक्ट, ये दोनों इम्परफेक्ट नहीं। अगला देखिए, दैट इज एक्सप्रेस, देखो एक्सप्रेस 65 and 117 इन लीनियर फॉर्म या लीनियर कॉम्बिनेशन, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में बताना है। इन टर्म्स ऑफ एलसीएम, ध्यान दीजिए, तो हमको इसको इसके लिए यूक्लिड का जो एलजेब्रा है ना इसको लगाना है। सो दैट इज थर्ड क्वेश्चन नाउ, देखो इसको पहले हम इसका HCF निकालेंगे, तो जरा 117 अभी नहीं समझ में आएगा इसके करने की बात, 117 को क्या लिखोगे और प्लस, अगर तुमने 65 से 117 में डिवाइड किया तो बोलो क्या आता है, तो 65 और कितना बचेगा, That is 2 और यहाँ पर 52 और 65 करो तो कितना बचेगा, 52 तो कितना बचा, 13 फिर करो तो कितना हो गया, तो बोलिए फर्स्ट लाइन में क्या लिखें, यहाँ से देख के बताओ 52 बचा। अब इन दोनों को उठा लो, क्वेश्चन से मतलब नहीं रहेगा हमारा कभी भी, तो 65 लो, तो 65 को सामने क्या लिखें, 52 × 1 + 13 फिर इन दोनों को क्या लिखें, 52 को लिख सकते हैं 13 × 4 + 0 जो जिस स्टेप पे 0 आ जाए उस स्टेप का डिवाइजर ही HCF होता है, डिवाइजर ऑफ लास्ट स्टेप इज HCF, यही डिवीजन एल्गोरिथम है। ये कौन सा है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये क्या है, इट इज रिपीटेड यूज ऑफ यूक्लिड डिवीजन लीमा, ये सब लीमा है और उन सबको अगर रिपीटेडली यूज करो अंटिल इट कम्स एज 0 तो उसको क्या कहते हैं, इससे तुम HCF निकाल सकते हो, लीमा से कुछ नहीं निकाला जा सकता, लेकिन लीमा को सिक्वेंशियली अगर यूज करो तो तुम HCF निकाल सकते हो। एल्गोरिथम किसी चीज को सॉल्व करने का मेथड है, तो इसमें हमने किया है, तो बताओ 13 क्या हो गया, HCF इज इक्वल्स टू इन दोनों का HCF 117 और 65, दिस इज इक्वल्स टू 13। आपको इसे ऐसे एक्सप्रेस करना है कि एक तरफ 13 रहे, बात समझ आया, तो क्या कह रहा है
कि जो HCF है इसे HCF के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो अब जब तुम्हें HCF मिल गया ना, तो लास्ट स्टेप छोड़ के इस स्टेप को पकड़ लो। यहाँ 13 है, तो 13 किसके इक्वल है जरा मुझे बताओ? 65, इसको भी उधर ले जाओ। 13 एक तरफ रहना चाहिए, कह रहा है HCF एक तरफ हो और दोनों चीजें इधर रहे। दो नंबर को HCF के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दो, यही लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सप्रेशन है। 13 इधर हो गया, तो बोलो दूसरी तरफ क्या गया? -52। और इनटू 1 भी चाहो तो लिख सकते हो, बिल्कुल इसको उधर ले लिया। अब थोड़ा सरक के ऊपर वाली टर्म में आओ, यहां से हमें ऊपर जाना धीरे धीरे। तुमको 52 नहीं चाहिए, तुमको तो 117 चाहिए ना। अब इस 52 को कैसे तुम एलिमिनेट करोगे बताओ? 52 क्या है यहाँ से देख के बताओ? 65 माइनस 52 की जगह मैं क्या लिखूं यहाँ से देख के बताओ? 117 माइनस 65। तो बोलिए, और इनटू 1 लिखना हो तो लिख दो, वरना उसकी कोई जरूरत नहीं है, और भी आ सकता ना। जरा यहाँ क्या लिखे बताइए? 65 और प्लस 65 और माइनस 107, इनको जोड़ना नहीं है क्योंकि सब कुछ 65 और 117 के फॉर्म में होना चाहिए। तो इसे क्या लिख सकते हैं बताओ? 65 और प्लस 65 को क्या? 2 into 65। तो 13 इज इक्वल्स टू 2 into 65 और माइनस 117। अब कंपेयर करो इसको, m की वैल्यू 2, कंपेयरिंग विद HCF, इट इज इक्वल्स टू x into 65 और प्लस y इनटू 117। बोलो अब x क्या आ गया और y क्या आ गया? x आ गया 2, y आ गया 1। बस इसी तरीके से करना होगा। क्वेश्चन में तो m दिया था, m दिया था, चलो ऐसे कर लिया, वो x y है, वो तो उससे कोई मतलब नहीं है। हम इसे 65x और 117y लिख सकते हैं, जहां पे इस टर्म्स में लिख सकते हैं, और x y की डिजायरेबल। वो ये भी कहेगा कि इफ 65 एंड 117 can be written like this, then find x and y, ऐसे बोल देगा। तो तुम्हें यही करके x और y निकालना, क्योंकि तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये 113 minus 117 कितना होता है? क्या 13 ही होता है? एक सवाल और करो तब तुम्हें समझ आएगा। देखो नाउ देखिए, 81 एंड 237 को एक्सप्रेस करो। अगला क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस फाइंड HCF, फाइंड HCF ऑफ 81 एंड 237 एंड हेंस एक्सप्रेस HCF इज इक्वल्स टू x इंटू 81 और प्लस y इंटू 237। Also find x and y। बिल्कुल वही सवाल है। Also find x and y। x and y का पता करो। अब देखिए, तो फिर से यही प्रोसेस करेंगे, फिर आप कंपेयर कर लेंगे। अब देखिए, तो यहां लिखो 237, it is equals to 81 into, यहाँ 81 से डिवाइड करना शुरू कर दो, तो 81 से 237 को करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 to 162, तो 5 होगा। यहाँ बताइए, that is 13 में से 6 गया तो क्या 7? और फिर 81, that is 75, तो यहाँ कितना बच गया? 6 से 75 को करो तो क्या होगा? जितना ज्यादा है पूरा लिखना पड़ेगा। देखो 6 से 75 अलग करके देख लो, 6 माने 6 और 15 बच रहा है, 6 हो जा तो 3 बच रहा है, तो यहाँ 12 आया कि नहीं? और बोलो कितना आ गया? 72 तो क्या 3 बच जाएगा। पूरा डिवीजन एक साथ देना पड़ता है ना, वो साइड में देख लो कितना जा रहा है, यहाँ सिर्फ रिमाइंडर लिखना है। लीमा में क्या होता है, वो वैल्यू ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कह दो ये मेरा लीमा ही है, 6 से ज्यादा हो गया तो क्या सर? ऐसा थोड़ी ना होता है। लीमा तो जब यहाँ पर तुम मल्टीप्लाई करते हो तो जितनी बार मल्टीप्लाई होता है, अगर 12 में मल्टीप्लाई हो तो 12 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? उससे छोटी वैल्यू होती है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर बचा दिया कि नहीं? अब देखो 3 बच गया, तो अब क्या लिखें? 6 2 तो 2 और ये कितना आ गया?
लास्ट स्टेप का डिवाइजर ही क्या होता है? एचसीएफ। अब तो अब इसको कैसे लिखे बताओ जरा। 81 into 2 plus 75। चलिए अब क्या लिखा जाए? 81 is equal to 75 into 1 plus 6. अब 6 और 3 है तो 6 is equal to 3 into 2 plus 0। ये सारा हो गया। इट इज यूजिंग रिपीटेड यूज ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड दिस इज टोटली नोन एज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये क्या हो गया? एल्गोरिथम हो गया कि नहीं? और आपको एचसीएफ पता चल गया। बोलो एचसीएफ क्या है? एचसीएफ इज 3। अब देखो एक बच्चा भी बता लेगा तो मुझे पता चल जाएगा कि वो स्टेप आ गया। प्रियांशु अब शुरू करो यहाँ से आगे का कार्यक्रम। एचसीएफ तो पता चल गया, हमको इसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है? क्या 3 के फॉर्म? तो बोलो मैं क्या लिखूं? 3 इज इक्वल टू, लास्ट स्टेप छोड़ना पड़ता है लीनियर कॉम्बिनेशन, इससे पिछले पे आना। अब बताओ 3 is equal to 75 minus 6 into 12। चलो अब आगे बताओ, इसमें 675 तुम्हारे इसमें नंबर्स में है कि नहीं? कि दोनों ही नंबर में नहीं है ना, ये भी है ना ये भी, कोई भी नहीं है ना। तो अब पीछे अगले स्टेप में आओ, तो अब मुझे 6 हटा देना चाहिए। 6 हटा देना चाहिए कि नहीं? 6 को जरा हटाओ यहां से। 75 minus 81 minus 75 minus 81 minus 70। चलो तो यहाँ क्या लिखते हैं बताओ? 6 की जगह क्या लिखें? 81 minus 75। और इनटू 1 है तो उसकी कोई जरूरत तो है नहीं ना। चलो अब इनटू 12। अच्छा इनटू 12 है, ये तो हमने 6 की जगह लिखा नहीं, अब 12 रहेगा। देखो मैंने ये 6 की जगह लिखा, ये सारा यहाँ से लिखा है कि नहीं? अगला स्टेप बताओ ध्रुवांशी। ये भी हमने यूज कर लिया क्योंकि जो 6 था उसे तो हटा दिया। अब मुझे क्या हटाना चाहिए? 75 हटाने के लिए सारे 75 पहले इकट्ठा करो, एक साथ ही हटाना पड़ेगा ना। तो बताओ यहाँ एक 75 है, यहाँ कितने 75 है? भाई सारे 75 इकट्ठे कर लो, 81 तो तुम्हारे कब्जे में आ ही गया है। अब 237 की और दरकार है, तो क्या लिख दिया जाए? 75 यहाँ जरा देखो क्या लिखो, 81 into 12। और क्या लिखे बताओ? प्लस लिख दे, प्लस 75 into 12। आगे का स्टेप बताओ, अब क्या लिखें? अब 75 की वैल्यू डाल सकते हैं? अभी नहीं डालो, दो जगह है, इस जो बिखरा हुआ उसको एक साथ कर लो, तब डालेंगे फिर इसमें आएंगे। दो जगह नहीं डालो, नहीं 75 एक 75 भी है। अच्छा बताओ 12x और 1x मिल के कितने होते हैं? 13x। ये तो समझ ही सकते हैं, जोड़ी तो रहे, तो क्या लिख लें बताओ? 13 into 75 minus 12 into 81। वास्तव में y पहले लिखना है और फिर उसके बाद उसमें नंबर, नहीं जैसे x y नहीं लिखा, x y हमने पहले पहले वो फैक्टर लिख दिया। अब 75 की वैल्यू बताओ? 237 minus 162। देखो 237 minus ना मल्टीप्लाई करो, उसके मूल रूप को छोड़ो नहीं तो 81 खो जाएगा। मल्टीप्लाई नहीं करना, जो तुम्हारे एचसीएफ है उनकी तो बहुत इज्जत करनी है। That is, क्या लिखने बताओ? 237 minus 81 into 2। और माइनस क्या लिखें? 12 into 81। अब देखो वही सब रहेगा, 237 81, इनको कुछ नहीं करना है, जो मेन मेन वैल्यू है दो ही तो वैल्यू है 81, बस इनके इनको खोल के इनके कोफिशिएंट को ही एडजस्ट करो। तो कितने आए बोलो? 13 into 37। अच्छा यहाँ बताओ 13 का किसमें मल्टीप्लाई करोगे? 81 में तो करना ही नहीं, वो तुम्हारा नंबर है, उसको बचा के रखो। 13 को 2 में करो, जो बाकी क्वेश्चन आते हैं उनमें करो, नंबर में नहीं करना है। तो 13 को 2 में करो, 26 into 81। और यहाँ से क्या आया? 12 into। तो बोलो यदि 81 कॉमन ले लिया जाए तो क्या क्या आ जाएगा? 3 is equal to 237। अच्छा इस पे ऐड कर लो -26x और -12x कितना होता है? 26x और तो कितना हुआ? 38।
38 इंटू 81। अब इसको किससे कंपेयर करें? दैट इज 3 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 237 और प्लस वाई, जैसे यहां लिखा है कि नहीं? कंपेयरिंग वैसे ही लिखा है तो कोई फर्क नहीं है, और प्लस वाई इंटू 237। तो जरा देख के बताओ x कितना आ गया? -38। सो x इज इक्वल्स टू -38। देखो हम 81 वाला पहले अगर कोई बात नहीं से कम कर लेंगे, और y बताओ क्या है? 13। यही चार क्वेश्चन कर लिए, 15 मिनट का टाइम है आपको, करिए कर लो सर, एक मिनट नोट कर लो। एक दो लोग आ जाएंगे, सब तो नहीं पाएंगे, अभिषेक जैसे Thank you.